नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप Google Play Store की ID का पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे आप जानेंगे कि उस Play Store की ID का पासवर्ड क्या था। दोस्तों आप अपना मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं और फॉर्मेट करने के बाद आप प्ले स्टोर में लॉग इन करते हैं तो उस वक्त आपको लॉग इन ID मतलब की ईमेल ID तो याद होता है मगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे उस पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड सेट करें, कैसे उस पासवर्ड को रीसेट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ओपन करते हैं अपने प्ले स्टोर को। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें साइन इन का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं साइन इन करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डालना होता है, तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं। ईमेल आईडी डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे नेक्स्ट पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका अपना पासवर्ड डालना होता है, तो यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे उस पासवर्ड को आप रिकवर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों आपको कोई पासवर्ड डाल देना होगा, आपको कोई भी पासवर्ड 8 कैरेक्टर का जो अपने मन से यहाँ पे आपको डाल देना होगा। डाल देने के बाद पासवर्ड आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे नेक्स्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि ये पासवर्ड गलत है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फॉरगेट पासवर्ड। अब यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आपका पहला पासवर्ड याद हो, मतलब कि आप पिछली पासवर्ड जो चेंज किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे याद है तो वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए, मगर हम वो भी पासवर्ड यहाँ पे हम भूल गए हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ट्राई अनदर वे पे। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये ईमेल आईडी रेडमी 8 में लॉगिन है, यहाँ पे अगर ये फोन आपके पास है तो आप इसे रिकवर कर सकते हैं, अगर ये फोन आपके पास नहीं भी है तो आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रिसेंट इट पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा ट्राई अनदर वे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों ईमेल आईडी क्रिएट करते समय आप ग्रांटर के रूप में एक आप ईमेल आईडी ऐड किए होंगे, उस मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे एंटर करना होता है। तो अगर आपके पास वो ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं उपलब्ध है, वो ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप फिर से क्लिक कीजिएगा ट्राई अनदर वे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दोस्तों बता रहा है कि ये ईमेल आईडी क्रिएट करते समय आपने एक मोबाइल नंबर इंटर किया था जिसके लास्ट में 74 नंबर है, उस नंबर पे एक कोड जाएगा, वो कोड को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर ये फोन है आपके पास तो आप इसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। उस कोड को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आप उस कोड को टेक्स्ट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं या फिर कॉल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद अब आपका वो सिम जिस फोन में लगा हुआ होता है उस सिम पे एक मैसेज जाता है, जैसे कि मेरे केस में वो सिम मेरा फोन में लगा हुआ है और वो कोड यहाँ पे आ चुका है और ये ऑटो यहाँ पे फिलअप हो चुका है, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट पासवर्ड का, तो यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ से आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ नया पासवर्ड। पासवर्ड इंटर कर देने के बाद आप यहां पे क्लिक कीजिएगा सेव पासवर्ड, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फिर से वही पासवर्ड, ये पासवर्ड जो इंटर किए हैं वही पासवर्ड आपको फिर से यहां पे आपको डालना होगा। पासवर्ड डाल देने के बाद आप यहां पे क्लिक कीजिएगा सेव पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा आई एग्री, यहाँ पे इसका कुछ कंडीशन होता है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा आई एग्री। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ कंडीशन मिल जाती है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आई एक्सेप्ट, आप चाहें तो इस कंडीशन को आप पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ से आपकी वो पासवर्ड फॉरगेट होके एक नया पासवर्ड सेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मेल आईडी है और इसका पासवर्ड फॉरगेट होके एक नया पासवर्ड सेट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने गूगल प्ले स्टोर की पासवर्ड को फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।